स्वागत है आप सभी का प्रबडी में मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने अपने जितने भी पेपर्स अभी तक डिस्कस किए नीट के 32 इयर्स पास्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे सबका रिवीजन कर रहे हैं तो आज हम प्लांट किंगडम के पार्ट नंबर टू पे डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें स्टार्ट करने हैं डिस्कस करने हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू मल्टी सेलर फंगस filamentous algae and protonema of mosses the option is a diplontic life cycle b is members of kingdom plantae c is mode of nutrition or multiplication by fragmentation to isme se jo right answer hoga wo d hoga multiplication by fragmentation अब fragmentation का क्या होता है कि fragmentation में क्या होगा कि दो body होंगी जो कि fragment करके दो हिस्से में बट जाएंगी ठीक है

In gymnosperm, female gametophyte is free living. C is antheridium and archegonium four are present in tardophytes. Or D, origin of seed habit can be traced in tardophytes. The right answer will be origin of seed habit can be traced in tardophytes. Okay, D. अब इसका क्या होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है तो अगर आप स्टार्टिंग से A B C देख रहें होंगे तो tardophytes gametophyte, protoonival और leafy stage नहीं होता है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग ये भी ये आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा इसके स्टेटमेंट से ही पता चल रहा होगा कि ये ऐसा नहीं होता है ठीक है तो डी जो है ओरिजिन ऑफ सीड है राइट आंसर ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकस एंड एन एडियनटम रिसमेंबल अदर इन सीड्स मोटाइल्स फॉर्म कैम्बियम और द राइट आंसर विल बी मोटाइल ओके साइकस और एंडिमेंट में जो रिसम्बल है इच अदर में वो मोटाइल का नाउ द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज वन ऑफ फॉलोइंग पेयर रॉन्गली मैच्ड ठीक है तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रॉन्ग राइट right, या करेक्ट इन करेक्ट का ध्यान रखिएगा ठीक है पता नहीं चलता है क्या क्या दे देता है तो इसका ध्यान रखेंगे आप तो वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड ए ऑप्शन इज गेंगो का आर्किगोनियम

Asked next to them. A is an equiseptum. The female gametophyte is retained on a parent saprophyte. Okay. In Ginkgo, male gametophyte is not independent. C is the seprophyte in Rhizia is more developed than that is polytrichum and sexual reproduction in Volvox is isogamous. E is the spores of slime mold lag cell wall. So how many of above statement are correct? तो इसमें कितने uh, मतलब पांच uh, स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कितने करेक्ट हैं तो इसमें से सिर्फ एक करेक्ट है ओके okay? एक करेक्ट है तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैमेटो फाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पॉलिट्राइकम एडि एंटम और पाइनस द राइट आंसर विल बी द पाइनस ओके Next question is compare with the gametophyte of the bryophytes, the gametophyte of vascular plant tend to be smallest but to have largest sex organ, larger but to have smallest sex, sex organ, larger to have larger sex organ or smaller to have smaller sex organ. The right answer will be smaller and to have smaller sex organ. Okay? D will be the right answer. तो यहां में कंपेयर किया गया है गेमेटोफाइट से ब्रायोफाइट में कि गेमेटोफाइट का वस्कुलर प्लांट का क्या होगा ठीक है तो वो स्मॉलर होगा और उसमें स्मॉलर सेक्स ऑर्गन भी होंगे ठीक है तो ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर इज प्रेजेंट इन मार्केशिया चारा एडियन फ्यूनेरिया तो ये मार्केशियम अगर आपको आर्कोगोनिफ फोर का पता होगा तो मार्केशियम में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रो कैरिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिकसिंग सिम्बायोटिक एलनस साइकस तो साइकस विल बी द राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दैदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग ए इज द सेप्रोफाइट इन लीवर वॉट इज मोर इलेबोरेट देन द मॉसेस सेलवीनिया इज अट्रोस्पोरस द लाइफ साइक्लिनसी बियरिंग प्लांट इज डिप्लांटिक

राइट right है सी द लाइफ साइकिल ऑल सीट बेरिंग प्लांट इज डिप्लांटिक होती है ठीक है तो ये भी सही है तो इन पाइनस मेल एंड फीमेल एंड डिफरेंटी ये भी गलत है ठीक है तो ए एंड डी क्या होगा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो ये ऐसा इसका आंसर बी होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल एलगी मेड अप ऑफ सेलुलोज गेलेक्टेंट एंड मेन हेमिसेलुलोज पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स पैक्टीन सेलुलोज एंड प्रोटीन्स और सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पैक्टीन्स तो राइट आंसर विल बी सेलुलोज गैलेक्टेंस एंड मेनेंस ओके एल के ये सेल सेलिन का बना होता है ये कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन मस्टर्ड कैसर पाइनस एस फैगनम तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि स्फेग्नम पे बहुत क्वेश्चन आए हैं तो आप प्लीज इसको इग्नोर नहीं करिएगा स्फेग्नम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग स्फेग्नम में होती हैं ठीक है थीके? तो इसका आंसर भी यही होगा और बाकी भी आप स्फेग्नम के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा ठीक है पिछले वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस मार्केसिया साइकस पाइनस स्टेट बॉन तो इसमें आपने मोनोसियस के बारे में पढ़ा होगा तो वो होगा पाइनस ओके

फ्यूकस ग्रेसिलेरिया और चारा तो मेनिटॉल क्या है मेनेटॉल एक डी मेनेटॉल इसका पूरा कहते हैं और ये स्टोर फूड है किसका फ्यूकस का ओके फ्यूकस क्या है फ्यूकस एक ब्राउन एलगी है ठीक है लेमनेरिया फ्यूकस और मेनेटॉल डी मेनेटॉल स्टोर फूड फ्यूकस का होता है ओके तो बी विल बी द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट हेट्रोस्पोरी हेप्लांटिक लाइफ साइकिल फ्री लिविंग गैमेटोफाइट डिपेंडेंट स्पोरोफाइट तो विच विल बी द राइट आंसर तो इसका आंसर ए होगा हेट्रोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी मतलब क्या होता है कि हेट्रो से आपका अर्थ पता चल रहा होगा डिफरेंट होता है स्पोर मतलब उनके गैमेट्स तो जिनके गैमेट्स दोनों में डिफरेंट होते हैं उनको हेट्रोस्पोरी कहते हैं ठीक है थीके? तो ये सिक्ट का राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज select one of the following pairs to important features distinguish uh, neander man from Cycus and pinus and sowing affinates with angiosperm are perianth and two integuments embryo development and apical meristem absence of resin duct and leaf venation presence of vessel elements and absence of archegonia the right answer will be presence of vessel elements and absence of archegonia okay now the next question is In which one of the following male and female gametophytes don't have free living independent existence? Polytrichum, citrus, pteris, phenaria. So, यहाँ पे जो इसका answer होगा वो citrus होगा. ठीक है? Citrus will be the right answer. यहाँ पे पूछा है कि following male or female gametophytes में किसमें free living independent existence नहीं होता है तो citrus होता Which one of the following is a heterosporous? अगर अभी आपको पढ़ा हो तो आपको याद pediantum, equiceptum, diopteris, salvinilia. Right answer will be salvinilia, okay? Next question is, in gymnosperm, the pollen chamber represents a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination An opening in the in, uh, managed, uh, mega gametophyte throw with the pollen tube approach the egg. The microsporangium in which pollen grains are developed a cell in the pollen grains in which the sperm are formed.

राइट आंसर विल बी इलेटर्स अब इलेटर्स क्या होता है इलेटर्स के बारे में बता देती हूँ तो ये एक सेल होता है जो की अटैचमेंट होती है ठीक है एक सेल जो अटैच होती है तो उसमें तो ये ज्वाइंट करने का काम करता है तो वो इलेटर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेगिलेटेड मेल गैमिट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जैग्नेमा And Hydrilla, Fucus, Recia, and Cycus, and Spirogyra. तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन फ्लैगलेटेड मेल गैमेंट्स फ्लेगुलेटेड मेल गेमेट्स पाए जाते हैं रिसिया ड्राइवटेरिस और साइकस में ओके okay? तो ये इसका से यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा Now, the next question is If you ask to classify the various algae into distinct groups, which one of the following characteristics you should choose? Nature of stored food material in the cell, structure organization of the thallus, chemical composition of the cell wall, or types of pigment present in the cell. So, question: the question? If you ask to classify the various algae, if you classify karna hoga various algae, what species basis you So, definitely, we types of pigment which we use. कलर होगा उसके बेसिस पे कर लेंगे जैसे कि आप भी, अभी भी एलगे uh, का क्लासिफिकेशन देखा ग्रीन एलगे ब्राउन एलगे ब्लू एलग सब अलग अलग है ठीक है तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोलोस ऑफ अ वर्कुलर क्रिप्टोगैमी द एंथ्रोजॉइट एंड एग्स मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज अ रिजल्ट देर इज डिग्री ऑफ स्टेलिटी

नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीट मॉस इज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लीव प्लांट टू बिकॉज इट सर्व एज अ सर्विसबल इट इज अवेलेबल इट इज हाइग्रोस्कोपिक इट रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक ओके होता है इस वजह से पीट मॉस को यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल फॉर द सेंडिंग फ्लावर एंड लीव प्लांट टू डिस्टेंस प्लेसेस ठीक है places, वो उसको बनाए रखता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को जिससे वो सेव लॉन्ग टाइम तक रह सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनिफोर्स डिफरेंट फ्रॉम ग्रासेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडोसपॉम बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ जैलट्यूज तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा वो ए होगा फॉर्मेशन ऑफ बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि किसी में भी आप और भी प्लांट्स बारे में जो भी पढ़ते हो इंडोसपॉम्प का फॉर्मेशन पहले नहीं होता है फर्टिलाइजेशन पे इसमें होता है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है तो कॉनिफर्स इसीलिए डिफरेंट होते हैं ग्रास से क्योंकि उनमें फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पाम का फर्टिलाइजेशन से पहले मल्टीसीटेड मेल गैमेट्स एंड सीड विच बीर्स ओनली वन एम्ब्रियो विथ टू कॉटिलीडो आर कैरेक्टर कैरेक्टराइज फ्यूचर ऑफ साइके और गैमेटोपेटलस इंजोस्पॉम द राइट आंसर विल बी ओके इनमें टू कॉडिलीडेंस कैरेक्टर फीचर्स इनके ही होते हैं डाइवर्सिफिकेशन एन प्लांट लाइफ अपीयर ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ रिवोलरी चेंजेस ड्यू टू एवर म्यूटेशन सडनली ऑन अर्थ बाय सीड डिस्पर्सल तो इसका आंसर होगा ए ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोलूशनरी चेंजेस डाइवर्सिटी की बात करेगा तो वो इवोल्यूशन के बेस पे ही आता है ठीक है तो ये रहा हमारे 63 तक क्वेश्चन तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर uh, में जहाँ पे हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके प्रिपरेशन अच्छी करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट में और भी आपको कोर्सेज और भी जैसे जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस वाली चीजें या डी यू जे एन यू सबके प्रिपरेशन में आने वाली चीजें जो भी पता करनी है आप हमारे वेबसाइट पर बडी पे आके देख सकते हैं सारी चीजों का वीडियो अवेलेबल है तो आप वहाँ पे विजिट करिए अपने कमेंट्स दीजिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू